Hey guys, welcome back to the new day. कैसे हो आप सभी लोग? Hopefully सभी लोग बढ़िया होंगे. So guys, आज हम लोग वापस से एक बार करने वाले हैं डंजन को. जैसा कि तुम लोग को पता है कि न्यू हफ्ता आ चुका है, तो इसका मतलब न्यू डंजन भी आ चुके. सो इसलिए आज हम लोग वापस से एक बार न्यू डंजन को कंप्लीट करने वाले. और आई थिंक इस बार जो बॉस वगैरह कुछ जेलीफिश वगैरह वगैरह, मेरे को डंजन का नाम नहीं पता. और मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना ये स्लॉट खाली है, तो क्यों ना इस स्लॉट को भी भरा जाए, बिकॉज ये पेडेस्टल हम लोग का थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था. सोचा चलो भाई इसको भी कंप्लीट कर लेते. और इस बार की डंजन जो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है. वैसे देखा जाए तो हमने अर्जेंट टूथस को हरा लिया है, तो हम लोग को कोई, मेरे को पता है उसका नाम कुछ अर्जेंट जो भी नाम है, भाई अर्जेंट टूथस बोलता है, मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है. तुमसे ना हो पाएगा. सो वो बॉस था तो उसको हमने हरा दिया, तो ये क्या ही चीज है. बट ये थोड़ा सा टोडाउन वगैरह का रूम है, तो थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है, ऐसी मेरे को इन्फॉर्मेशन वाइपर से मिली है. बिकॉज मेरे को जो भी इन्फो मिलती है वाइपर से मिलती है. सो देख लेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे क्या क्या सीन है, क्या नहीं, कि सारे. और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक शॉट गन ले लिया, और यहाँ पे कंपाउंड वो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पानी के अंदर फाइट होगी. देन यहाँ पे एक स्वॉर्ड ले लिया, और ये खाने पीने का सामान लिया. आप लोग भी चाहो तो यही ले सकते हो. और गाजर इसलिए बिकॉज वो पानी में हेल्प करता है, तो इसलिए गाजर. और फ्लिपर्स यहाँ पे मोस्ट कंपलसरी है, बाकी स्कूबा टैंक वगैरह की जरूरत नहीं है. बॉस फाइट जो है पानी में होने वाली है, इसलिए हम लोग ने फ्लिपर्स लिए. स्कूबा टैंक सांस के लिए जरूरत नहीं, बिकॉज उतनी फैसिलिटी वहाँ पे दी हुई है. और बाकी यहाँ पे हीलिंग ब्रू वगैरह और शॉटगन की एमो, ये बाकी चीज़ें मैं लेगी. तीन चार स्प्लिट लिए बिकॉज माँ के भाई ये लोग कितनी बार समझाए कि मेरे बेस के ऊपर से नहीं उड़ने का. मैं सही सेकेंड बाकी ऐसे छोड़ रहा हूँ, दोस्तों को जाके बताना कि यहाँ पे आने का नहीं. कभी ये आता है इसका, कभी इसका बाप आता है, कभी इसकी माँ आती, कभी इसका बेटा आता है. माँ के दिमाग खराब करके रखा है भाई, बेस के ऊपर नहीं उड़ने का. मेरे को नहीं पसंद, पता नहीं मेरे को इरिटेट हो जाता हूँ मैं जब मेरे को ऊपर कुछ उड़ते हुए दिखता. बट एनीवे हम लोग मुद्दे से भटक रहे. सो अभी मेरे पास टेक टेलीपोर्टर तो नहीं है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं ऑब्लिक पे, बिकॉज वहाँ से हम लोग डंजन को एक्सेस करेंगे. बाकी सारी फलाना चीज़ें तुम्हें पता है. सो चलो वहाँ पे पहुँच जाते, फिर बातें करते आगे की. ऑलमोस्ट हम लोग ऑब्लिक जो ऑलमोस्ट मतलब पहुंच ही गए वैसे तो. सो हम लोग पहुंच चुके हैं ऑब्लिक. भाभी तुम लोगों को लूट भी दिखा देता हूँ कि इस बार की जो डंजन है उसमें लूट क्या है, वही तुम लोगों को दिखा देता हूँ. और मेरे को लगा ही था पिछले बार भी यही हुआ था. रुको मैं नेट ऑन करके आया. ओके सो मैं तुम लोगों को लूट दिखा देता हूँ इस बार लूट क्या. और नाम कुछ द ग्रिम बॉग ऑफ डिसअपीयर ऐसा कुछ तो फलाना का नेम है. नाम से हमें क्या करना है, हम लोग को काम से मतलब है. और यहाँ पे मतलब लूट से मतलब है. सो यहाँ पे लूट में जो है टेक स्कूबा मास्क है, टेक बूट्स है, ये बेकार सा टैंक हमें नहीं चाहिए, और सैडल है मौसम सर का टेक वाला जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बनाने की आई थिंक सो औकात नहीं है. सो उसे बाजू में रखते. बूट या स्कूबा मास्क तो मैं कहाँ पानी में जाने वाला. बूट मिल जाए तो काफ़ी सही है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी अंदर जान के पता चलेगा. अभी मेरे को एक महामारी से लड़ना भी है जो कि एडवर्टाइज है जो अभी आएगी. ओके हम लोग डंजन के अंदर तो पहुँच चुके हैं. सो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को ग्राफिक्स लो करना है, बिकॉज तुम सिर्फ अकेले ऐसे नहीं हो जो सोचते कि मेरा ही गेम दुनिया में सिर्फ क्रैश मारता है. उसमें मैं भी आता हूँ और बहुत सारे लोग आते हैं, और एक्चुअली बोला जाए तो सारे लोगों का गेम क्रैश मारता है डंजन में, बहुत ज़्यादा मारता है. हाँ आई नो आप में से कुछ का नहीं मारता होगा, बट मेरा मार जाता है और बहुत लोगों का मारता है. इट्स ओके, कोई बात नहीं, होते रहता है. बट अभी ये देखो ये वाली जो रूम है, सबसे पहले ये पहले आ जाएगी शुरुआत में आपको. ये रूम थेरिजिनोसॉर की है, और इसमें जो हम लोग को शॉटगन यूज़ करनी होगी, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो कुत्ते की तरह मारेंगे. और ये आर्मर पर बहुत ज़्यादा डैमेज देते, बट इनकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं. पहले रुको आनंद मैं बता दूँ तुम लोगों को, इनको मारना मेरे मतलब इजी होगा, जैसे हमें भागते रहना ठीक है. सबसे पहले इसको ले. ओके वेरी गुड. सो ये रास्ते में आया था. ओके देखो इतने ज़्यादा स्पीड नहीं है, तो हम लोग को सिर्फ भागते भागते ना जम करके मारना है ऐसे, जिस बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना हम लोग को. वेरी गुड वेरी गुड. पता नहीं मैं आर्क से फर्स्ट टाइम एक थैंक्स देता हूँ प्यार से मेरी तरफ से तुम लोग को, ह्यूज थैंक्स. बिकॉज इस अब जो इरी आ रहे हैं ना वो पहले जैसे इरी नहीं है, ये इरी होली खेल के आया ऐसा लगता है. मतलब ये एक अच्छी चीज़ मेरे को लगी क्योंकि अचानक उनमें ब्लू पिंक ये देखो कलर कलर भरे हुए हैं इन इरीज में, तो ये काफ़ी सही चीज़ है. सो ये मेरे को काफ़ी सही लगा, इसलिए थैंक्स. मेरे को नहीं पता अपडेट में आया कि ग्लिच आया, बट जो भी है कुछ तो पहली बार कुछ अलग मिल रहा है, तो रहने दो चुपचाप भाभी, ठीक मत करना अगर ग्लिच हो तो. और खुद दिया है तो थैंक यू सो मच. बाकी भाई ये सच में मस्त लगते. देखो अगर मैं तुम लोग को बाद में मैं तुम्हें रिवाइव करके दिखा दूंगा, लगे तो पता नहीं ये बाहर के साइड भी आई थिंक ये वर्क करते हैं. मैं तुम लोग को बाद में आगे एपिसोड्स में दिखा दूंगा, बट पहले रुको मेरे को ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है मानना, जस्ट हमने शॉटगन से उड़ाते रहना इन्हें, ज़्यादा कुछ नहीं करना. भाई ऐसे ओ इसको इसको इनको डोप दिया, दोनों को डोप दिया मैंने, एक को नहीं दोनों को डोप दिया भाई. जो कट मारा मैंने बोला व्हाट द हेल कहाँ चला गया यार, मैं प्रो हूँ मेरे को पता है ये बात. चलो 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 इनके ना झुंड में ज़्यादा मत फंसना, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि भाई देखो ये एक दो शॉट्स ही मारेंगे लेकिन आर्मर तगड़ा रह.
हो गए कि नहीं, मेरे को लगा हो गए, आर्मर तगड़ा डैमेज करेंगे, तो झुंड में मत फंसना भगवान के लिए, भगवान के वास्ते इनके झुंड में मत फंसना वरना मजा नहीं। जैसे ही नाम लिया ये एक दो शॉट देंगे, पहला शॉट पड़ गया, इसी शॉट में मेरा 10% आर्मर तो इजी पीजी गया होगा। A few moments later. माँ कसम भाई, जितनी बुलेट लाई थी ना उसमें से आधी बुलेट इधर ही खत्म हो रही है मेरी। लेकिन रुको रुको भाई, इनकी हेल्थ एक तो 4-4, 5-5 हज़ार है वापस से। ये लोग देखो स्टैमिना खत्म हो तो ऐसे करते रहो, देखो ये नहीं मार पाते बट एक दो शॉट लग जाते हैं, और अब तक पक्का मेरा आधा आर्मर तो खलास हो ही गया होगा पक्का। मैं बोलता हूँ मेरा इतना आर्मर तो होपफुली चला ही गया होगा, होपफुली मतलब मेरी इच्छा नहीं बट फिर भी नहीं। देखो ये मार नहीं पाते, ये मार नहीं पाते, बिल्कुल नहीं मार पाते। रुको, मार दोगे तुम लोग भाई, जस्ट तुम लोग ऐसे पीछे ही जाओगे ना, नहीं मारते। मैंने अभी ट्राई किया, हम वापस करेंगे, रुको बैठ, आजा कि मार के आजा, खत्म। ये देखो एक सेकंड रुको, मार के स्टैमिना गया, नहीं यार गया। ये देखो नहीं मारता है, देखा मैं बोला ना ऐसे करते रहोगे रूम तो क्लियर हो गई, तो ऐसे करते रहोगे तो नहीं मारते इतना। मैं इनका इम्प्लांट ले लेता बिकॉज ये होली वाला हम लोग को पसंद आया। ओके सो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को जाना है भाई दूसरी साइड, और ये मेरे को घंटा समझ में नहीं आ रहा बट अभी देखो जाता हूँ मैं बराबर। इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट वाइपर के डिस्कॉर्ड पे ना तुम लोगों को एक ये मिल जाएगा, इसका पूरा मैप मिल जाएगा, तो उसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना उसके चैनल पे जाके। मेरे चैनल के नीचे मैं लिंक दे दी याद रख के तो ठीक है, वरना मेरे को बंदे बोलते हैं बोलते हो देते नहीं, मेरे को याद ही नहीं रहता, बट अगर मैंने दे दी तो काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि उसके डिस्कॉर्ड पे कोई तो बंदा है जो अच्छे से पूरा मैप बना के कुछ तो पता नहीं कैसे बट मैप डालता है, जो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो उसके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। मेक श्योर कि तुम लोग उसके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, मैं डिस्कॉर्ड पे तो पता नहीं कोई कृपा करके डालेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हम लोग के बंदों के लिए भी, बट फिलहाल उसके इस पे तो उसके इसको ज्वाइन ही कर लेना। ओके ये इजी बिजी ट्रैप है, ये वन शॉट नहीं है वरना मेरे को पहले लगता था ये भी वन शॉट है, ये बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ भागते नहीं रहना है कभी कभी। मेरे को एक शॉट भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को हीलिंग ब्रू भी वेस्ट नहीं करनी, बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लग दी। मल्टीप्लेयर होता तो फिर भी चार लोगों की हेल्प होती है वैसे। एक तो भाई ये संडास की पाइप में घंटा समझ में नहीं आया, और ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाना भूल गया था, डैमेज देखा तुमने कितना हुआ था आर्मर, तो थेरीज यू नो अच्छा खासा डैमेज करता है, ध्यान रखना झुंड में मत फंसना उसके। बाकी अभी हम लोग को यहाँ पे कौन सी साइड जाना है, पहले हम लोग ये देखो यहाँ पे रूम है, पहले हम लोग ये वाली साइड जाके आते हैं। रुको क्रेट लूटता हूँ मैं पहले यहाँ पे, ओके सो ये वाली जो रूम है, ये वाली रूम है अभी टाइटन ऑफ वर्की, जो कि भर भर के तुम्हें टॉर्पर देते हैं, और उसके लिए हम लोग को स्टिमुलेंट खाने पड़ते हैं। बट यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि मैं कैंटीन लाना ही भूल गया हूँ, तो मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगा, और भाई ये पैची मेरे को नहीं पता, ये मेरे को पक्का इसके टांग में अटक के मैं गिरने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये टाइटन ऑफ वैसे खतरनाक होते हैं और ये बीच में घूम रहा है। और एनीवे बट अभी मैं एक सेकेंड रुको, व्हाट द हेल, मेरे पास रॉक विट कहाँ से, वो भी अनलॉक्ड वाली, पता नहीं एंड में पानी में यूज़ कर सकता हूँ बट प्रीमियम आइटम बाद में यूज़ करूँगा। अभी चलो भाई मेरे पास कैंटीन नहीं, मेरे को नहीं पता, वो एक सेकेंड हो टाइटन बॉक आप है भाई, रूम कहाँ से, ओके सॉरी वहाँ से रूम स्टार्ट नहीं होती, यहाँ से होती, मेरे को नहीं समझ में आता भाई कि कहाँ से रूम, मेरे को येलो पिलर्स होते वहाँ से रूम आते, एक सेकंड को भंडी ये मेरे को एक तो फंसा नहीं मेरे को लगा ही था माँ की एक तू गया, अभी एक को भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे को टॉर्पर देने की। इधर मैं कैंटीन लेके आया जिसका जिसमें भर भर के स्टिमुलेंट नहीं खा सकता, गाजर के भरोसे से माँ कसम भाई, एक सेकंड रुको भाई, तो इनसे वैसे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे जो है स्टिमुलेंट अगर मेरे पास पानी भी होता, एक सेकंड रुको मेरे को इनसे दूर नहीं बच गया, सॉरी मेरे को चिल्लाने के लिए भाग गया से। सो यहाँ पे अगर मेरे पास पानी भी होता ना तो मैं शॉट से मारता जो जल्दी ये लोग मर जाते, बट शॉटगन से अभी मारने पड़ रहा है परफेक्ट एम लेके, जो ये मेरे को दिल कॉपी गैप हो गया भाई ये अचानक से। ऑलमोस्ट फिनिश है भाई, ओके सो फाइनली हम लोग की ये रूम भी क्रिएटिव बोल रहा हूँ, ये रूम भी क्लियर हो चुके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस संडास की पाइपलाइन से वापस कहीं तो जाएंगे, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को पहले रुको यहाँ पे क्रेट आई थिंक सो, हाँ वेरी गुड यहाँ पे क्रेट है, इसको लूटने दो और मेरे को पानी भी पीन दो, मैं आगे द फीस वगैरह ले लूँगा क्योंकि मेरे को
मैं वैसे नहीं कर सकता विदाउट कैंटीन भाई, ये क्या कर रहा है भाई, पता नहीं भाई इसके अलग ही नशे है भाई, आगे खाई पीछे मिथिक्स बीच में फंसा टैप जरा भाई। एनीवे सो वैसे ही भाई अभी इधर आके तो उड़ा ही दूंगा भाई। एक एक विनती है तुमसे, टैप जरा मत दिया करो। एक तो प्रॉब्लम ये कि वो खुद, एक तो पहले खुद डरता है, मुझे भी डराता है, बड़ा धक्का भी अलग से देता है, पता नहीं उसके अलग ही नशे। ओके सो अभी ये वाला जो रूम है, आई थिंक ये वाला रूम कार्नो का है, जो कि नो आर्मर नहीं है, आर्मर वाला रूम है जिसमें आर्मर पहन सकते हो। एंड ये वाले रूम में हम लोग जो है शॉटगन वगैरह, आई डोंट थिंक हम लोग को शॉटगन यूज़ करनी चाहिए, हमें काम करते हैं हम लोग शॉर्ट यूज़ करेंगे, बिकॉज शॉर्ट का सीन ऐसा कि वो मारने में इजी पड़ेगा, शॉर्ट का अच्छा डैमेज है, शॉटगन वो परफेक्ट बुलेट्स की डिलीवरी करनी पड़ती है जो बहुत मुश्किल है, मतलब मार तो लेते बट ग्लिच आउट वगैरह वगैरह फसड़ हो जाती है, तो बेटर है कि हम लोग इसी के साथ करें। मेरे को नहीं पता कि ये कार्नो की रूम है कि नहीं सही से, बट आई थिंक ये लंबी रूम है तो कार्नो की होनी चाहिए। ओके परफेक्ट वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले रैप्टर क्यों आ रहा है भाई, मेरे को सिर्फ इनका रैप्टर का डर ये है चढ़ना। ओके ये मेरे को भाई वो देखो वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई कार्नो छोट। अरे दो टांगों के बीच में से बंदा निकल रहा है कसम से बोलता हूँ, रुको भाई भसड़ मत फैलाओ, मैं बाप का मान ली हूँ मैं भाई भाई रैप्टर रैप्टर ही बोल रहा हूँ, रैप्टर ही लग रहा था कसम से बोलता हूँ। नहीं ओ एक सेकंड वो देख, और दो बचे क्या, मेरे को लगा खत्म हो गए। आजा आजा आजा, मार मत मार मत मार मत भाई, डैमेज बहुत मेहनत लगती है आर्मर बनाने में, मारो मत तो मत। ओके ओ हो गया, मेरे को लगा दूसरी वेव भी होगी। हाँ वैसे कानो बड़ा था ना, इसका मतलब वो एक अकेला बॉस था उनमें। ओके सो ये वाली भी हम लोग ने रूम कंप्लीट कर लिए, जस्ट यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी लूट लाट करनी है अभी, तो रुको मेरे को पहले सारी क्रेट्स लूटने हैं, तो चेस्ट। ओके ओके एक सेकेंड, मेरे मतलब से गाइस तुम लोग को ये ट्रैप करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है कोई खास क्रेट तुम लोग को यहाँ पे मिलने वाली है, बट एक सेकेंड मेरे को पहले खुद करके देखने दो कि एक्चुअली मिलने क्या वाला है, बट वेट एक सेकेंड भाई, ये भी वेट कर रहा है पता है कि कब ट्रैप ही होगा और मैं कब चला जाऊँगा, बट बिलीव मैं तेरे को और जल्दी बचूंगा। गेट आउट, बहुत दल मरा ही नहीं, मैं तो तेरे को जल्दी भेजने की बात कर रहा था, कोई नहीं तेरा नसीब था तो बच गया, मैं छोड़ दिया तेरे को, दुनिया बहुत जाली में दोस्त याद रखना मेरे को, और बच के रहना। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। बाकी मेरे को रुको यहाँ से क्रेट लेट लूटने दो, मेरे को पता है कहाँ का क्रेट है। बाकी मेरे को थोड़ा सा मैप अभी पता है थोड़ा सी दिक्कत होती है मेरे को, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि वो राइट में वो लेफ्ट में होता है, पता नहीं मेरे को अब तक समझा नहीं कि मैप को रीड कैसे करते हैं, बट एनी वे हम लोग को रुको यहाँ पे भी एक और क्रेट है, इसको मेरे को लूटने दो। बाकी हम लोग अभी बहुत ज़्यादा क्लोज है, आई थिंक इसके बाद कार्नो के बाद हम लोग की नेक्स्ट जो रूम होगी वो आई थिंक प्रोडॉन्स की है, या फिर किसके मेरे को नहीं पता, कौन सी बच्ची है मेरे को याद ही नहीं। What the hell? मैंने कहा था भाई कि दुनिया बहुत जालिम है, ये भाई साहब बहुत बुरा हो गया इसके साथ, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने इसको गोली मारी इसलिए हुआ, बट अभी मेरे को शक है कि मैं भागूंगा तो इसमें मैं अटकना नहीं चाहिए, रुको मेरे को काम करना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे मैंने गेम जो है पूरा सेव मार लिया, जिसकी वजह से गायब हो गया, तो मेरे को काफ़ी हेल्प हुई, और ये तुम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एक यहाँ पे एक सीन हो चुका है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये देखो सारी लाइन्स गायब हो चुका, मेरे को घंटा नहीं पता कि मैं आया कहाँ से था, मेरे को अभी समझना पड़ेगा तो कैसे। बाकी मेरे को लगता है यहाँ पे अब यही से होगा आई थिंक, सो पता नहीं कहाँ से भाई साहब। एक तो ये देखो यहाँ पे भी भाई तुम लोग कितने ज़्यादा अबे भाई। ओके हम लोग फैसिलिटी की के बेहद नज़दीक है, सो यहाँ पे हम लोग को ओके यहाँ पे नहीं जाना है, हाँ यहाँ पे जाना है, ये वाले ट्रैप हम लोग को कम्प्लीट करना है, एंड देन हम लोग को फैसिलिटी की मिलेगी, और उसके बाद हम लोग को रुको पहले तो भाई मेरे को ये करने दो भाई, मेरे बंदे ने फोकल चिली खाई है फिर भी इतना स्लो क्यों भाग रही है, रुको। ओके वेरी गुड, सो अभी यहाँ पे आई थिंक फैसिलिटी की है, और उसके बाद हम लोग को जाना है वापस पीछे, अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, पहले मेरे को यहाँ पे देखने दो फैसिलिटी की है कि नहीं। ओके सो हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी की मिल चुके, सो अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रैप को कम्प्लीट करना है, बिकॉज ये हम लोग को मार सकता है, मार नहीं सकता मतलब बहुत दहल, एक सेकंड रुको मैं वही बोलूँ, मेरा बंदा इतना स्लो क्यों भाग रहा है, मैं डबल टैप को छोड़ के सीधा सीधा भाग रहा हूँ। सो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को एकदम वहाँ पे पहुँचना है जहाँ पे हम लोग डंजन में स्पॉन हुए थे सबसे पहले, क्योंकि उसके अपोजिट साइड में जहाँ पे हम लोग थेरिजिना का रूम किया उसके अपोजिट साइड में जो है इसका रूम है, पैची राइनोसॉरस और ट्राइक का रूम है, जो हम लोग को करना है, और वहाँ से फैसिलिटी डोर है, और ये भाई मेरे को यहाँ पे ये मेरे को वन टैप ना कर दे भाई, छोड़ भाई मर गया तो मर गया, उपज गया भाई, ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वैसे ही वो ही हो जाए, एक तो दिखता भी नहीं है वन टैप वाला। एनीवे ये देखो मैं अभी ना भाई बहुत ज़्यादा कष्ट लेने के बाद फाइनली वहाँ पे पहुँच चुका जहाँ पे हम लोग डंजन में ऑलरेडी थे, मतलब जहाँ पे हमने जैसे हम डंजन में एंटर किए तो स्पॉन लेते ना वो वाली जगह ये,
सो यहाँ से हम लोग को इस साइड जाना है और यहाँ पे हम लोग को जो है पैची वाला रूम होगा। पहले यहाँ पे कुछ क्रेट्स है, मेरे को वो लूटने दो बिकॉज क्रेट्स लूटना बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे कोई जरूरत नहीं हम लोग को, बट क्या भरोसा कौन सी प्रीमियम, मेरे को नहीं पता भाई, सच बोलता मेरे को नहीं पता कौन सी प्रीमियम है और कौन सी है। मेरे को सिर्फ इतना पता रहता है फैसिलिटी कौन सी है, फीचर क्रेट कौन सी, बाकी मेरे को घंटा नहीं पता कौन सी इनमें से प्रीमियम क्रेट होती। अगर तुम लोग इसमें कुछ हेल्प कर पाए तो काफ़ी सी चीज़ है। ओके ये रहा। सो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, ये वाला पैची वाला रूम है और जहाँ पे ट्राइक भी है जिसे हम शॉटगन से उड़ाने वाले, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे शॉटगन वर्क करनी तो चाहिए क्योंकि उसका हेड है, तो मेरे को लगता नहीं, एक सेकंड रुको, ये जाएगा एक सेकंड, वेरी गुड, क्योंकि इसका पीठ पर डैमेज करेंगे तो जाएगा, बट अभी मेरे को नहीं पता ये हेड पे करूंगा तो ये जाएगा कि नहीं। वेरी गुड, एक शॉट तो लग गया, भाग यहाँ से, माँ कसम वो पैची रहा है, लंगड़ा है, कैसे भाग रहा है वो, उसको रुको तुम लोग को दिखाता हूँ मैं, अबे पीछे एक सेकंड रुको, अब माँ की कितना तेज है भाई, घोड़े जैसा लंगड़ा घोड़ा भाग रहा है ऐसा लग रहा है। सीधे होते तेरे इस तरफ है। भाई सब वो कैसे भाग रहा है, मेरे को एक बात बता, पैची के भी हेड पे कोई आर्मर होता है क्या? रुको मेरे को भाई शॉटगन से खेलना है। Meanwhile, मां कसम घंटा बाहर में गई शॉटगन, मेरे को शॉट से खेलना है, कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से। What the hell? तुम्हें भाई मैंने अपनी 10 शॉटगन से मारने की कोशिश की, बट तुम्हें इस हराम खोर शॉट से मरना है, सिर्फ इज्जत चाहिए ही नहीं तुम्हें। गेट आउट, धक्का मत दे भाई प्लीज, गेट आउट, धक्का मत देना, इधर आना भी, एक सेकंड को, तू तेरे को नसीब हुआ ये ले, तेरे को नसीब था उसले तू 10 शॉटगन से मरा, बाकी हराम को शॉट से मरा। व्हाट द हेल, ओके रूम क्रिएट कंप्लीट हो चुका है, मैं बोला उसको क्यों नहीं आ रहे, आई एम नूब। एनीवे सो अभी हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे कितनी क्रेट्स, मेरे को ये नहीं पता, मेरे को सारी लूटने, तो बाकी मेरे को अभी संडास की पाइपलाइन एक्सप्लोर, एक सेकंड भाई साहब कितनी संडास की पाइपलाइन है भाई, घंटा समझ में नहीं आ रहा मेरे को भाई, तुम लोग को दिखा दो, ये देखो पानी पीने की निंजा टेक्निक, अगर लिच भी होगी तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती बिकॉज इतना क्विक पानी कोई नहीं पी सकता भाई। अब एक तो कितने टापे जा रहा है भाई, ये कितने संडास की पाइपलाइन है भाई, कैसे एक्सप्लोर करूंगा सबको। ये देखो एक घर वाइपर के घर जाती है, एक हैरी के घर जाती है, एक किसके घर जाती है, एक तुम लोग के घर जाती है, पता नहीं कितनी पाइपलाइन से, मेरे को कमेंट करके बताओ किसके घर कौन सी पाइपलाइन जाती है। इतनी पाइपलाइन से बेटर है एक डायनो डाल दो यार। ओके सो ये क्रेट लूटने के बाद अब आने वाली हम लोग की सबसे टफ रूम, जो कि मेरे को वाइपर ने बताया कि ये टफ है, बाकी मेरे को पता है कि ये टफ है क्योंकि ये टोडॉन्स की रूम है जो तुम्हें भर भर के टॉर्पर देगी, प्लस ये नो आर्मर रूम है और इसी के बाद तुम लोग जो बॉस फाइट कर सकते हो। सो यहाँ पे तुम लोग चाहो तो आर्मर बदल सकते हो, मैं अपनी तसल्ली के लिए आर्मर बदल रहा हूँ, बाकी आर्मर यहाँ पे मायने नहीं रखता, बट ग्लिच से भगवान की दुआ से अगर गलती से कुछ वर्क कर गया तो काफ़ी सही, बाकी नो आर्मर रूम है टोटली। बाकी हम लोग इसको अभी कैसे आ रहेंगे तुम लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग टोटली जो है शॉटगन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि शॉटगन हमने यहाँ पे यूज़ की तो पिट गए समझो तुम लोग, कुत्ते के वैसे ही हो तुम्हें भगा के मारने वाले। सो यहाँ पे हम लोग स्वॉर्ड एंड शील्ड का यूज़ करेंगे, जैसे ही आएंगे हम ऐसे शील्ड से कवर करेंगे और थोड़ा सा ब्रेक लेके फटाक से स्वॉर्ड से अटैक करेंगे, ठीक है ऐसे करेंगे, मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ। देखो सपोज वो आए फटाक से, मैं क्या करूँगा ऐसे अटैक 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 करूँगा, बाकी मेरे को नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके सो अभी हम लोग रेडी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, होपफुली हम लोग कर पाए। ओके सो अभी देखो सामने से भाई, एक तो उनकी स्पीड ज़्यादा है, वो टॉर्पर देते हैं नॉर्मल रूम में, बहुत पॉइंट्स है उनके पास एडवांटेज, आई मीन कैसे खेलते हैं मेरे को एक तो। हाँ तुम्हें कुछ घंटा नहीं दिखने वाला तो यहाँ पे थोड़ा सा काम ली लेना है, ठीक है अभी यहाँ पे थोड़ा देर तुम लोग को आर्मर ऐसे चालू रखना है जैसे मैंने रखा है, और ये शांत नहीं होने वाले कुछ भी कर लो, जस्ट थोड़ा सा तुम्हें लगे कि मैं मार सकता हूँ, जैसे मैं मार सकता हूँ प्रतिघात बैंडी, भागो भागो दूर भागो दूर, माँ कसम गया मेरी हेल्थ में सब कुछ गई, एक सेकंड रुको एक सेकंड रुको एक सेकंड रुको अभी एक सेकंड रुको, फटक से खाने का। देखो एक बात बता देता हूँ, एक सेकंड रुको पहले मेरे को इसको मारने दो हीले, ओके भाई मेरे को तुमसे ये देखो कैसे भड़वा मार रहा है मेरे को, इसके दांत देखो, इसको तुम लोग से बात करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी रुको जरा बहुत इंटेंस है पहले, प्रतिघात एक सेकंड शील्डी हटाई नहीं थी, प्रतिघात बैंडी। ओके सो अभी फटाक से तुम लोग को हीलिंग भी लेनी है और फटाक से ये खाना है तुम लोग को स्टिमुलेंट, देन जैसे वो आने पहले ही फटाक से शील्ड ऑन कर लो, ठीक है ये बहुत ध्यान से करना है तुम लोग को, भाई मेरी फटके हाथ में आ रही है, वेरी ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम कोने में हो, ये पीछे भी आएगा तो फिर ग्लिच हो जाएगा, वरना तुम्हें पीछे से मारेंगे, प्रतिघात ओके ये गए, वेरी गुड, फटाक से खाओ स्टिमुलेंट खाओ, टॉर पर बहुत ज़्यादा देते वापस से शील्ड ऑन करो, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे तुम कोई चीज़ खाओगे शील्ड खुद ब खुद हट जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना,
यहाँ पे फंसना नहीं है तुम्हें बिल्कुल, ठीक है? ये चीज़ ध्यान से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रुको, अभी मारो ब्रांडी, भग 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 भग, नहीं मेरे पे भारी पड़ते जा रहा है, भारी भारती पड़ते भाई आ ही नहीं वो। ओके रुको, अभी रुको 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 रुको, देखो मेरे पे टॉर्पर चढ़ रहा है, एक सेकंड रुको, जल्दी जल्दी खाने दो खाने दो खाने दो खाने दो, आना नहीं। ओके आर मेरे को मेरे लिए भाग यस भाग। ओके बहुत ज़्यादा मेहनत किया हम लोग, बहुत ज़्यादा क्लोज है गाइस, बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा। ओके ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट। ओके फाइनली गाइस, फाइनली हम लोग ने इस रूम को कंप्लीट कर लिया। भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, कसम से बोलता हूं टोडॉन्स की रूम थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, जितना मेरे को वाइपर ने हाइपर किया था ना उतनी तो नहीं थी। बट यहाँ पे तुम लोगों को वापस बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, जैसे पहले तुम लोग शील्ड ऑन रखो, ठीक है? मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, शील्ड ऑन रखनी है, देन अचानक तुम्हें जब लगे कि मैं उससे अटैक कर सकता हूँ, देन तुम्हें उस पर अटैक करना है, एंड वापस से तुम्हें जल्दी से शील्ड ऑन कर लेनी है, ठीक है? फिर धीरे धीरे तुम लोग को फटाक से हीलिंग ब्रू वगैरह भी वापस शील्ड ऑन करनी है। जस्ट मैंने जैसा किया सेम वैसा करते रहो, मेरे को नहीं लगता मैं सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वाइपर ने आई थिंक एक्सप्लेन किया होगा, उसकी वीडियो जाके चेकआउट करो, उसमें आई थिंक डंजन की वीडियो अब तक अपलोड कर दी होगी, सो वो चेकआउट कर लेना। बाकी मैंने जैसे तुम लोग को समझा आई थिंक तुम लोग समझ गए होंगे। जस्ट ये करना है कि जब तुम फटाक से खा के फटाक से शील्ड ऑन करनी है, हील होने देना इंसान को, टॉर्पर कम होने देना, वापस से अटैक करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? उनका डैमेज कम है, नसीब उनके हेल्थ 2-3-4 हज़ार नहीं, 1 हज़ार हेल्थ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ओके ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बॉस, एक सेकेंड रुको, व्हाट द हेल, क्या ओके भाई एक सेकेंड, मेरी फीचर क्रेट कहाँ पे, मैंने अब तक फीचर क्रेट नहीं लूटी है भाई, एक सेकेंड रुको मेरे को ढूंढने दो। मेरे को लगा फीचर क्रेट अंदर की साइड होगी, मेरे को लगा ये रूम नहीं है, मतलब ये नहीं है, एक सेकेंड रुको, आई थिंक वो वाली साइड पे, वो नीचे की साइड फीचर। एक तो भाई मैंने पहले ही सेव कर लिया था, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ इश्यू हो सकता है मेरे को, तो इसलिए मैं सेव किया था, जिसमें मेरे सारे मार्कर्स हट गए। बट आई थिंक हाँ ये वाली है फीचर क्रेट, ये फीचर क्रेट है कि प्रोजेक्टर है भाई, ये क्या प्रोजेक्ट कर रही है, कुछ तो निकल रहा है इसमें से लाइट जैसा। एनीवे सो होपफुली कुछ अच्छा मिले, सिर्फ मेरे को स्कूबा टैंक ना मिले प्लीज, फॉर गॉड सेक प्लीज प्लीज। ओके हम लोग को टेक स्कूबा मास्क मिला, कोई बात नहीं, चलो बड़ी बात नहीं है, वैसे कुछ भी मिलता कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट स्कूबा टैंक नहीं चाहिए था मेरे को, बाकी ठीक है। अभी मेरे को टेक बूट चाहिए थे वैसे देखा जाए तो, कोई नहीं वापस से आऊँगा, वापस से कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई बॉस को हराने के लिए, बिकॉज हम लोग को उस बॉस से जो है वो चिप चाहिए, जो हम लोग अपने बेस पे लगानी, इम्प्लांट्स ना, इम्प्लांट्स बोल रहा है, एलिमेंट्स ना तो चलेगा, अभी अंदर एंटर करने दो, पहले दो एलिमेंट्स ना दो चलेगा। बट एक सेकंड रुको भाई, मैं एक सेकंड मैं एक चीज़ भूल गया था, मेरे को पहले तो पहनना है स्लीपर्स, ओके? क्योंकि हाँ ये बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है तुम लोग को ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी, किसकी बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिलेगी, स्कूबा टैंक भर भर के लेके मत आना, जस्ट स्लीपर्स लेके। और एक सेकंड, पहला इमेज वेरी गुड, अच्छी प्रोग्रेस है मेरी भाई। ये जेली फिश, ये ईरी जेली फिश है क्या? ओ ये चीज़ कुछ अलग लगी मेरे को। ओके एक शॉट भाई 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 भाई, 11,000 हेल्थ है, नो प्रॉब्लम, नो 11,000 कोई बड़ी बात नहीं है, साला अर्जेंट उतर उसकी 50,000 हेल्थ आ रही है, मैंने मजाक की बात है, इजी पीजी है। जस्ट मेरे को एक इन्फो इधर पता है कि अब इसको मारूंगा तो इसके 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8 ऐसे होंगे, तो भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। एक ये बुलबुले क्या कर रहे हैं भाई इधर, एक सेकेंड रुको भाई साहब, इसको हराना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो मैं तुम लोग का ईजी मेथड बताता हूँ, मेरे को पहले अभी 3 शॉट जब मेरे मारे मेरे को समझा नहीं, बट इसके टॉप पे तुम्हें मारना है, क्योंकि पानी में ऑब्वियसली बात है तुम्हारी बुलेट ड्रॉप होने वाली है, एरोज जो है तुम लोग की ड्रॉप होगी, तो हेड पे मारो लग जाएगी बराबर से नीचे। ओके हाँ लो ऊपर, एक सेकंड क्लोज नहीं आना भाई, अभी 2 हो चुके हैं ये, अभी इनके 2 के 4 होंगे, अभी ये ओके बॉस तो हरा दिया, देखो ऊपर लिख के किल द मिनियंस, बॉस तो हरा दिया हमने, अभी इसके मिनियंस बढ़ते जाएंगे भाई साहब, ये मेरे को झटका देने वाले होंगे, आई थिंक इसने झटका दिया था बट मेरे को लगा नहीं। ओके वापस 2 हो गए, जैसे जैसे ये लोग छोटे छोटे होते जाएंगे ना, और तुम लोग को भाई ये बुलबुले मेरे को डरा रहे, तुम लोग को जो है इनका क्या बोलते हैं हेल्थ कम होते जाएगी, तो एक एक एरो के बाद में हो जाएंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, एरो भर भर के लेके जाना, एटलीस्ट 80 तो होनी चाहिए, और कहीं और यूज़ मत, एक सेकंड नहीं झटका नहीं, ओ भाई बच गया, अभी हाँ अभी झटका दिया इसने, तब नहीं दिया था शायद, अब भी दिया, मेरे को एक तो सुनाई नहीं दे रहा सही से। हाँ मैं क्या कह रहा था वैसे, एरोस हाँ एरोस ने ज़्यादा लेके जाना, बिकॉज और कहीं और यूज़ मत करते बैठना, पहले बोल दो ज़्यादा लेके जाना, एटलीस्ट मैं तो 80 लेके आया था आई गेस, और मैंने कहीं यूज़ नहीं की वो, तो यहाँ पे आई थिंक मेरे को काम आ रही है, वेरी गुड एक और गया, वेरी गुड भाई कितने लेवल के ये लोग, मेरे को रुको लेवल, इनको टेम नहीं कर सकते हो ना, क्या ही जेलीफिश लगता है बताइए, इसलिए इसको खुद टॉर पर देता है घंटा, इसको टॉर पर चढ़ेगा भाई साहब रुको। ओके भाई भाई
एक किलो, दो किलो, तीन किलो कितने ज्यादा है भाई, ये कितने ज्यादा किलो है भाई, मजाक हो रहा है, माँ कसम भाई, दो दो तीन तीन 400 किलो भाई। ये देखो बबल गम यहाँ पे फूट गए, मेरे से फूट गए, वाह भाई। ये रूम लेकिन मजेदार है पता है, वी आर सो क्लोज गाइस, नहीं झटका नहीं, एक सेकंड रुको सॉरी, भागना पे भाई, आ जाएंगे एक सेकंड रुको, मेरे को लगा मेरे को झटका नहीं भिटेगा बट मेरे को फाइनली भिट गया, एक झटका तो तुम्हें पड़ ही जाता है मतलब। ओके ये गया, ओके ओके लाल शाह तुम वहाँ पे क्या इश्क लड़ा रहे हो भाई, तुम वैसे ही दो निकले अब तुम और चार करना चाहते हो, बेवकूफ लोग, इधर आओ एक सेकंड, ये मेरे से डर रहे क्या, बहुत दिल ये मेरे से डर रहे क्या, नहीं घंटा नहीं डर रहे, मेरे को मारना चाहते। ओके मिनियंस को लग रहा है भाई बाप मरने के बाद भी कुछ कर सकते, बट एनीवे सो फाइनली गाइज हम लोग ने ये डंजन कंप्लीट कर ली, जैसा कि तुम लोग ने देख सकते हो कि हम लोग ने सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, और इसके साथ हमने ये डंजन भी कंप्लीट कर लिया, तो कुछ शेल भी ले इसके अंदर कुछ नहीं है, बाकी अभी ये डंजन हो चुकी तो हम क्या ये बलून फोड़ते बैठेंगे क्या, सर अब बेस पे चलते, सो रुको मेरे को पहले बेस पे जान दो, फिर हमने असली मायने में डंजन कंप्लीट कर ली। सो भैया स्पॉन भाई एक बार प्लीज़, ओके सो फाइनली हम लोग बेस पे आ चुके, और इसी तरीके से ये जो डंजन थी जो भी गरम गुरम क्या नाम था उसका मेरे को भूल गया वापस से, डिस्पेयर वगैरह, एंड यहाँ पे तुम लोग का एलिमेंट वगैरह भी, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पे वीकली डंजन ऑन ही नहीं किया था, सो सॉरी मेरे को याद ही नहीं रहा, सैड लाइफ, अभी मेरे को लगा अभी कुछ करने से हो जाए, बट कोई बात नहीं, तुम लोग ध्यान रखा करो इस चीज़ का कि तुम लोग जो है श्योरली वीकली डंजन ऑन करो, पिछले बार बोला था बट मैं खुद इस बार भूल गया, एनीवे कोई बात नहीं, सो अभी क्या करते हैं पहले तो भाई इसको यहाँ पे लगा देते हैं, रुको सबसे पहले तो, और आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और ये देखो हम लोग का सेकंड भी जो है क्या बोलते हैं इसको मेरे को नहीं पता, बट ये जो भी चिप वगैरह ये हमने यहाँ पे लगा दी और ये भी बहुत ओपी दिख रही, और इसी तरीके से हमने सोलो में अपनी पहली दो डंजन कंप्लीट कर ली, पहली बहुत हार्ड थी, सेकंड भी ईजी पीजी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये देखो बाकी मेरा टेक बंदा लग रहा है अभी एकदम फ्यूचरिस्टिक लग रहा था, सो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आज का जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर देना, एंड मेक श्योर कि अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट डंजन करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो मेरे को पता नहीं, बट अच्छी होगी तो कर लेंगे, आई स्ट्राइप भगवान की दुआ से ना आए सिर्फ इतना ही दुआ करना क्योंकि वो करने मेरे फटके हाथ में आने वाली, बट एनीवे सो आज के लिए बस इतना ही, डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना बिल्कुल भूलना, डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं करना है ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत जल्द वहाँ पे हमारे 2.5 के मेंबर्स होने वाले हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करो अगर तुम लोग कर सकते हो इफ़ यू कैन, बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे फिर ऐसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तो चले गाइस तब तक के लिए गुड बाय।